नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे द्वारा दिया गया कृति पत्रिका प्रारूप 2020 घटक निहाय एवं अंक विभाजन यह लेकर आई हूँ, जिसके कारण विद्यार्थियों को बड़ी आसानी हो जाएगी ये पता करने में कि कौन से विभाग से उनको किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं और कितने नंबर के आने वाले हैं। तो आपका ये जो पेपर है ये होगा 3 घंटे का, इसके कुल अंक होंगे 80। अब हम देखते हैं कि इस साल ये जो हिंदी की बुक है ये बदल गई है और नई बुक आई है, इसीलिए अभी तक हमारे पास में परीक्षा का जो प्रारूप है वो नहीं आया था। और अभी ये जो माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे ने जो जारी किया है उसके अनुसार हम देखते हैं कि क्या है। तो कृति पत्रिका प्रारूप के अंदर हम देखते हैं कि विभाग किस तरीके से इसमें दिए गए हैं। प्रथम विभाग जो है वो गद्य का है, द्वितीय विभाग जो है पद्य का है, तीसरा विभाग जो है विशेष अध्ययन के लिए है और चौथा विभाग जो है वो व्यावहारिक अध्ययन के लिए है। अब हम इनकी अगर मार्किंग के हिसाब से इनको देखें कि इसके अंदर हमको कितने मार्क्स मिलने किस हिसाब से इसमें मार्किंग होने वाली है, तो हम देखते हैं गद्य हमें 20 नंबर का आने वाला है, पद्य हमें 20 नंबर का आने वाला है, फिर विशेष अध्ययन हमें 10 नंबर का, व्यावहारिक हिंदी हमें 20 नंबर की और जो व्याकरण है वो हमें 10 नंबर का आने वाला है। इस तरीके से ये हमारे जो है टोटल यहाँ पर 80 मार्क्स जो है हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रतिशत हमको दिए हुए हैं कि हमें जो पेपर आएगा उसमें गद्य 25% यानी 25% दिया रहेगा प्रश्न, पद्य में से 25% प्रश्न दिए रहेंगे और विशेष अध्ययन 12.5%, उसके बाद में हम देखते हैं व्यावहारिक हिंदी जो है वो भी हमें 25% तक की इसमें दी हुई है ना। इस तरीके से हम देखते हैं विकल्प के अंदर 25 गद्य के, पद्य के 28, विशेष अध्ययन के 14 अर्थात 14 और व्यावहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश इसके 38 और व्याकरण इसके 20, ऐसे 125 जो है हमारे पास में इसके विकल्प आ जाते हैं और उसके कुल अंक हो जाते हैं 80%, है ना, और इसका प्रतिशत हो जाता है 100%। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे, विषय हिंदी युवक भारती, कक्षा 12वीं, मूल्यमापन आराखड़ा 2020। मूल्यमापन यानी किस तरीके से आपका मूल्यमापन होगा, नंबर किस तरीके से काउंट किए जाएंगे। तो कृति पत्रिका प्रारूप देखते हैं, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी युवक भारती का अंक है 80 और समय है 3 घंटे, यानी कुल अंक इसके 80 है। अब हमको पहला जो कृति दिया है उसमें आपको परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में लिखने के लिए आएगा और ये विभाग होगा आपका 20 नंबर के लिए, है ना। ये टोटल जो गद्य विभाग में से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आपको देखिए पहला आएगा अकृति एक, इसमें अ आएगा परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ, लगभग 180 से 200 शब्दों में दिया हुआ रहेगा, ये 6 मार्क का रहेगा। और इसके अंदर आकलन कृति यानी आपको मालूम है ना कि आकलन कृति के अंदर क्या किया जाता है, जैसे संजाल पूर्ण कीजिए या कृति पूर्ण कीजिए या फिर आपको किस तरीके से कारण लिखिए या फिर पंक्ति पूर्ण कीजिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको आकलन कृति के अंतर्गत आ जाते हैं और ये आपको आएंगे 2 मार्क्स के। उसके अलावा शब्द संपदा में 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए। अब शब्द संपदा जो है ना, तो शब्द संपदा में आपको ग्रामर आती है, सिंपल ग्रामर जैसे कि उपसर्ग है, समानार्थी, विरुद्धार्थी, पर्यायवाची, लिंग, वचन, फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना, उसके बाद भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण शब्द लिखना या अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग करना, उसके बाद में शब्द युग्म या उर्दू शब्दों का हिंदी में अर्थ बताओ, कृदंत, तदधित यानी कृदंत प्रत्यय, तदधित प्रत्यय और उचित जोड़ियां बनाओ, ये सारी चीज़ें जो है आपके शब्द संपदा के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद में अभिव्यक्ति 40 से 50 शब्दों में आपको करनी होती है और ये भी 2 मार्क का यानी 2 नंबर का आपको आता है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति आप देखते हैं कि हर कविता या लेसन के बाद
में जो है हमको अब ये गद्य का विभाग है तो हर गद्य के बाद में आपको अभिव्यक्ति के क्वेश्चंस रहते हैं और उन अभिव्यक्ति के प्रश्नों को सॉल्व करने के आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं ना। और उसे आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है। अच्छा, अभिव्यक्ति लिखने का सबसे बेहतरीन माध्यम है कि आप कविता है तो कविता को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए और लेसन है तो लेसन को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़कर और समझ लिया है तो आप अभिव्यक्ति खूब आसानी से 40 से 50 शब्दों में अर्थात 5 से 6 लाइनों में लिख सकते हैं। उसके बाद में लघुत्तरी उत्तर, तो लघुत्तरी उत्तर जो होते हैं वे अधिकांश रूप से आपके जितने भी गद्य विभाग है उसके अंदर लेसन के अंत में अभिव्यक्ति के बाद में दिए हुए होते हैं लघुत्तरी प्रश्न। उसको 60 से 80 शब्दों में लिखना है। इसका मतलब आपको इसके अंदर लघुत्तरी यानी ऐसा नहीं है कि एक वाक्य में लिखना है ना, इनमें आपको 60 से 80 प्रश्न लिखना है। अब देखिए आप अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति 2 नंबर का क्वेश्चन है और 40 से 50 शब्दों में लिखना है, इसी के जस्ट ऊपर वाला है ना। यहाँ की हम बात करें कि अभिव्यक्ति जो है 40 से 50 शब्दों में, अर्थात यहाँ आपको 5 से लेकर 6 लाइनें लिखना है। और यहाँ पर जो लघुत्तरी प्रश्न है 60 से 80 शब्दों में, यानी कि आपको यहाँ 7 to 8 लाइन्स लिखना है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आप यहाँ 10 लाइन लिख सकते हैं, यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लघुत्तरी प्रश्नों के 6 मार्क्स मिल रहे हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना है लघुत्तरी प्रश्न जो है वो 3 दिए जाएंगे, 3 में से कोई 2 आपको करना है और उसके 6 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। फिर उसके बाद एक वाक्य में उत्तर दो, इसमें 4 में से 4 प्रश्न आएंगे जिसमें से कोई 2 आपको करना है और ये सब होंगे साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दो में आपको क्या आ जाता है, कवि का नाम लिखना है ना। उसके बाद में लेखक का नाम, कवि का नाम, उनकी कृतियाँ इन्हें उनके द्वारा लिखी हुई किताबों के नाम आपको याद होना चाहिए, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, ये सब आपको इसके अंतर्गत लिखना होता है एक वाक्य में उत्तर दो में, है ना। इस तरीके के जो प्रश्न है वो इसी के अंतर्गत पूछे जाते हैं क्योंकि ये साहित्य संबंधी ज्ञान के ऊपर आधारित होते हैं। अब आपको इस बात पर यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि साहित्य संबंधी ज्ञान यानी जो भी कविता है या फिर जो भी गद्य है ना, ये जो है साहित्य है ना, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, गद्य है, पद्य है, जो भी आप बोलेंगे इसको, तो ये सब साहित्य है। हम साहित्य पढ़ रहे हैं युवक भारती के अंतर्गत, तो इससे संबंधित जो ज्ञान है वो हमें होना इसमें ज़रूरी है कि हमने क्या पढ़ा है, उस लेसन से, उस कविता से संबंधित हमको ज्ञान होना चाहिए। अब आप देखें कि विभाग 2 जो है वो पद्य है, मतलब पद्य यानी कि कविता, ये भी आपको 20 नंबर का आने वाला है। और 20 नंबर के अंतर्गत सबसे पहले देखिए हमको कृति नंबर 2 में अ और आ, ये दोनों में देखिए आपको यहाँ पे समानता दिखाई दे रही, गद्य में भी दिखा ऐसे ही और हमें पद्य में भी दिख रहा है, आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, फिर आकलन कृति, फिर शब्द संपदा, फिर अभिव्यक्ति। अब आकलन कृति में जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि आकलन कृति के अंतर्गत हमको किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आकलन कृति चाहे आपकी आकलन कृति ये वाली हो चाहे ये वाली, यानी 2 आपको आकलन के लिए कृतियाँ आने वाली है ना, तो उसमें आपको कृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, उसके अलावा कारण लिखिए, उसके अलावा पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, कोई कविता है तो कविता की लाइनों को पूर्ण कीजिए, लाइन यानी पंक्तियाँ है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद में जो है हमारा दूसरा नंबर आ जाता है शब्द संपदा, तो शब्द संपदा मैं आपको फिर बता ही चुकी हूँ, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम, एक शब्द समूह के लिए एक शब्द, फिर उसके बाद में भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग, उसके बाद शब्द युग्म या उर्दू शब्द का हिंदी अर्थ बताओ, इस तरीके के प्रश्न, या फिर उचित जोड़ियां बनाइए, ये सब आपको शब्द संपदा के अंतर्गत आ जाता है। और जहां हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो ये जो हमारा तीसरा नंबर का जो प्रश्न बन रहा है अभिव्यक्ति, तो वो चाहे हमारा गद्य हो, चाहे हमारा पद्य विभाग हो, चाहे विशेष अध्ययन विभाग हो, चाहे यहाँ व्यावहारिक हिंदी हो, सभी के अंदर हमको भी अभिव्यक्ति के क्वेश्चंस उसके कविता या पाठ के खत्म होने के बाद में पीछे हमें दिए हुए रहते हैं, तो वो अभिव्यक्ति के प्रश्न हमें करना है। और उसमें आप देखेंगे कि 40 से 50 शब्दों में अर्थात 4 से 5 लाइन, या फिर आप यहाँ पे 6 से 7 लाइन ऐसे लिख सकते हैं, 6 से 7 लाइन आप लिखेंगे तो 40 से 50 शब्द जो है उसके अंदर अच्छे से कवर हो जाते हैं, जो कि आपको 2 नंबर का आने वाला है। आगे हम देखते हैं कि पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में, ये सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही सेम आपको दूसरा जो पैराग्राफ आएगा उसमें करना है। इसके बाद आपको आता है रसास्वादन, अब रसास्वादन कीजिए कितने शब्दों में, 100 से लेकर 200 शब्दों में। अब ये काव्य विभाग के अंदर आता है, रसास
आस्वादन सिर्फ काव्य विभाग के अंतर्गत आता है। और आपको कितना लिखना है, 100 से लेकर 120 शब्द, यानी कि आपको यहाँ कम से कम 15 लाइनें लिखना है ना। 15 लाइनें आप लिखेंगे तब उसके आपको 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब इनमें दो आपको दिए रहेंगे रसास्वादन, और उसमें से किसी एक के ऊपर आपको लिखना है। अब रसास्वादन यानी क्या, तो ये इसमें हमको ज़्यादा लेसन नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो रसास्वादन के अंतर्गत आपका सिर्फ आपको 5 कविताएं पढ़नी है, और उन 5 कविताओं में से सबसे पहली तो आपकी है नवनिर्माण, उसके बाद में है आपकी जो सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये तो आपके कोर्स में से जो है निकल गया है ना, ये अब कोर्स में नहीं है। उसके अलावा आपका गुरुबानी, वृंद के दोहे, यानी आपका जो क्रमांक 5 है उसमें से। उसके बाद में आपको आ जाएगा पेड़ होने का अर्थ, ये एक नई कविता इसके अंतर्गत दी है, ये इसमें आ जाएगी। उसके अलावा चुनिंदा शेर जो 9 नंबर पे दिया हुआ है ये है, और फिर 12 नंबर पे जो सुन रहे सखी और गजरी था वो तो आपके कोर्स में से हट गया है, यानी अब आपको यहाँ पर जो है सिर्फ जो बचा है नवनिर्माण, गुरुवाणी, वृंद के दोहे, पेड़ होने का अर्थ, चुनिंदा शेर, है ना। इतने ही इसमें से आपको ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, और इसमें से भी कोई 2 में से आपको 1 करना है। कहने का मतलब यहाँ पे आपको जो है जितना पढ़ेंगे उसमें से कोई भी अगर आप 3 या 4 बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप किसी भी एक को अच्छे से स्किप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में आप यहाँ पर देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दो। अब एक वाक्य में उत्तर दो ये साहित्य से संबंधित ज्ञान के ऊपर आधारित होता है, यानी जो भी कविता है या गद्य है उसके अंदर अंत में आपको जो है साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाता है कि नवनिर्माण में आपको जो प्रश्न दिया हुआ था वो इस तरीके से था, जो नवनिर्माण में आधारित प्रश्न था वो था कि चतुष्पदी के लक्षण लिखिए, है ना, तो चतुष्पदी के क्या लक्षण होते हैं वो आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको साहित्य संबंधी ज्ञान एक वाक्य में उत्तर दो, 4 में से 2, ये 2 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे का देख लेते हैं कि विभाग 3 अर्थात विशेष अध्ययन। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि विशेष अध्ययन जो है इसमें सिर्फ आपको एक ही जो काव्य दिया हुआ है वो है कनुप्रिया, जिसे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखा हुआ है ना, 13वें नंबर पे नंबर पे दिया हुआ है, और इसका पेज नंबर है 69, ठीक है। तो ये जो एक ही है, और इसके आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं, टोटल मार्क्स जो है आपके यहाँ पर आप 6 मार्क्स उसके लिए कवर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक आपको आसान तरीका है कि आप एक ही काव्य को पढ़ लीजिए और इसमें से आपको 6 नंबर जो है पूरे आ जाते हैं। इसमें आकलन कृति आ जाती है, सबसे पहले वो एक कृति पूर्ण कीजिए, या संजाल पूर्ण कीजिए, या फिर कारण लिखिए, या फिर पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, इससे इसमें से लेकर कुछ ना कुछ एक तरीका आपको ये आकलन कृति कीजिए इसमें आ जाएगा। और फिर शब्द संपदा जो है उसमें आपको जैसे मैंने बताया हुआ है, हर जगह मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये चीज़, चाहे वो गद्य विभाग हो, चाहे वो पद्य विभाग हो, चाहे वो आपका विशेष अध्ययन हेतु ही विभाग क्यों ना हो, तो इसके अंतर्गत भी आपको शब्द जो शब्द संपदा इस लेसन के पीछे दी हुई है उसी में से आपको पूछा जाएगा। और आपको इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन, विलोम, शब्द समूह के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग, उसके अलावा शब्द युग्म, उसके अलावा उर्दू शब्द को हिंदी में हिंदी अर्थ बताइए उर्दू शब्दों के वो, उसके बाद कृदंत और तदधित ये शब्द आ जाएंगे आपको, है ना, उचित जोड़ियाँ बनाइए, ये आपको इसके अंतर्गत आ जाएगा। और फिर जब लास्ट है आपको अभिव्यक्ति, और ये अभिव्यक्ति आपको 2 नंबर के लिए आ रही, 40 से 50 शब्दों में अर्थात 6 से 7 लाइनों में आपको इसको यहाँ पे लिखना है। अब देखेंगे लघुत्तरी उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। अब आप देख रहे हैं ना हर जगह पे आपको लघुत्तरी उत्तर के लिए 2 में से कोई एक ही लिखना है, और उसमें आपको 4 यानी यहाँ आपको ऑप्शन भी मिल रहा है और का ऑप्शन भी मिल रहा है, आपको ये कीजिए ये कीजिए, और 80 से 100 शब्द यानी आपको कम से कम 15 लाइनें इसके अंदर लिखना है, आपको पूरे 4 मार्क्स इसके अंदर मिल रहे हैं। और ये क्योंकि आपको विशेष अध्ययन के अंदर आया हुआ है, तो विशेष अध्ययन के अंदर जो लघुत्तरी के प्रश्न है 2 या 3 वही आपको करने हैं इसके अंदर, और उस हिसाब से आपका ये जो पोर्शन है खूब अच्छे से तैयार हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि विशेष अध्ययन के जो आपके 10 अंक है ये आपके पूरे पूरे तरीके से पक्के हो जाते हैं। 6 तो ये आपकी आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति,
ठीक है, और 4 मार्क्स जो है आपके लघु उत्तरी प्रश्न के, तो ये आप खूब अच्छे से कर लीजिए। 10 मार्क्स आपके ये कहीं भी नहीं गए, क्योंकि एक ही काव्य है, उसी को अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो उसी में से आपको सब कुछ आने वाला है, ठीक है, और वो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर पढ़ लेंगे बड़ा आसान है। आगे देखते हैं, विभाग 4 जो है वो आपको दिया हुआ है व्यावहारिक हिंदी। अब व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत आपको 14 नंबर का जो लेसन है वो है पल्लवन जो एकांकी है, 15 नंबर पे आपको कहानी दी हुई है वो है फीचर लेखन, 16 नंबर पे दिया हुआ है आत्मकथा मैं उद्घोषक, उसके बाद में 17 नंबर पर आपको दिया है आलेख ब्लॉग लेखन, है ना, और 18 नंबर पे था आपका प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, जो कि आपके कोर्स में से इस साल कोविड-19 के कारण कट कर दिया गया है ना, आपका कोर्स बहुत कम हो गया इस साल। तो आप देखेंगे व्यावहारिक हिंदी के अंदर भी आपको सिर्फ 4 ही लेसन पढ़ना है, और वो 4 लेसन जो है आपके कितने मार्क्स को कवर करके दे रहे हैं, 4 लेसन आपके 20 मार्क्स को कवर करके दे रहे हैं। और व्यावहारिक हिंदी के अंदर आपको जो है वापस से आपको क्या है, आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति, जैसा कि मैं आपको अभी सभी दूर बताते हुए आई, आकलन कृति में क्या आने वाला है, तो संजाल पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए, कारण लिखिए या पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, है ना, कविता है तो उसकी पंक्तियों को पूर्ण कीजिए इस तरीके से। उसके अलावा फिर यहाँ अब हम व्यावहारिक हिंदी जब पढ़ रहे हैं तो व्यावहारिक हिंदी के अंदर एकांकी दी हुई है, कहानी है, आत्मकथा है और आलेख है, तो फिर अब हम यहाँ पर पंक्ति पूर्ण कीजिए तो नहीं आएगा, लेकिन आपको इसके अंदर कारण लिखिए, संजाल पूर्ण कीजिए और कृति पूर्ण कीजिए, ये आपको यहाँ पर जो है आकलन कृति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद शब्द संपदा, मैं आपको वही बार बार बता रही हूँ कि शब्द संपदा के अंतर्गत आपको जो है व्याकरण विभाग इसके अंदर आता है, और व्याकरण विभाग शब्द संपदा के अंतर्गत आपको आएगा उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन, विलोम, उसके अलावा शब्द समूह के लिए एक शब्द, उसके अलावा भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए, उसके बाद शब्द युग्म, उसके बाद आपको आएगा उर्दू शब्द का हिंदी अर्थ लिखिए और अर्थ बताइए, उससे संबंधित वाक्य बनाने के लिए भी आ सकते हैं, इसके अलावा कृदंत और तदधित प्रत्यय, उसके अलावा उचित जोड़ियाँ बनाइए, है ना, ये आपको इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे जो व्यावहारिक हिंदी है इसमें दीर्घोत्तरी और परिच्छेद, इसमें अथवा वाला दिया है, यानी आप चाहे तो दीर्घोत्तरी प्रश्न करें तो उसके पूरे आपको 6 नंबर मिल जाते हैं, या फिर लघुत्तरी के ये 3 प्रश्न करेंगे तो 2-2 नंबर के इसमें आपके 6 प्रश्न मिल जाएंगे, हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से आप इस व्यावहारिक हिंदी वाले जो विभाग है इसको आप तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद में आप देखते हैं इसमें 2 तरह के प्रश्न बन रहे हैं, पहला क्या बन रहा है आपका, एक तो दीर्घोत्तरी प्रश्न कीजिए, या फिर आपको इसके अंदर बन रहा है कि लघुत्तरी प्रश्न कीजिए, है ना, दीर्घोत्तरी लघुत्तरी, उसी के साथ में आपको फिर से यहाँ पे ये आ जाता है कि लघुत्तरीय 2 में से एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए, या फिर आपको यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए कि सही विकल्प चुनकर वाक्य को फिर से लिखिए, यानी ये व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत जो है सही विकल्प चुनिए, यानी कौन सा विकल्प जो है पाठ के आधार पर, अगर आपने ये 4 लेसन जो है पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक और ब्लॉग लेखन, ये खूब अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया होगा तो इस पाठ के आधार पर आप इसके विकल्पों को, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके अंदर आने वाले, उसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। अब आगे का हम देखते हैं कि अपठित परिच्छेद, लगभग 180 से 200 शब्दों का अपठित आएगा। अब इस अपठित में आपको कोई सा भी परिच्छेद अर्थात पैराग्राफ दे दिया जाएगा जो आपको 6 नंबर का आएगा, और इसमें भी पहला क्वेश्चन आपको आएगा आकलन कृति का, उसके बाद आपको आएगा शब्द संपदा का, और उसके बाद में आपको आएगा अभिव्यक्ति का इसके अंदर। और इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अपठित परिच्छेद होता है वह आपको ऐसा आता है जो आपको पता नहीं है ना, लेकिन फिर भी परिच्छेद ऊपर दिया है और उसी से संबंधित प्रश्न जो है आपको नीचे दिए, तो ये 6 मार्क्स जो है आपके खूब अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली, अब देखिए आप पारिभाषिक जो शब्दावली है आपके टेक्स्ट बुक में, ये पारिभाषिक शब्दावली जो है ना ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 109 से लेकर 110 है ना, इस पे दी हुई है, और इस
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ये जो कृति प्रारूप आया है इसके अंदर हमें बताया हुआ है कि 109 और 110 पेज नंबर पे जो पारिभाषिक शब्दावली दी है इसी में से सब आना अनिवार्य है, यानी इसी में से आएगा। तो पेज नंबर 109 और 110 आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके जो चार नंबर है वो यहाँ पे पूरे तरीके से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो परीक्षा की तैयारी है ये साथ ही साथ में होती चली जा रही है। अब आप व्याकरण देखिए, व्याकरण के अंतर्गत इस साल आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, तो सबसे पहला आपको है काल परिवर्तन करके वाक्य को फिर से लिखिए। तो काल परिवर्तन आपके टेक्स्ट बुक में सभी कुछ आपको दिया हुआ है ना। उसके अलावा अलंकार, अलंकार पहचानिए, जैसे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार जो भी है ना, तो ये इसमें से ये पहचानिए। रस, रस के नौ रस होते हैं, तो नौ रसों के। अब आपको एक और बात इसमें ध्यान में रखनी है कि आपको कुछ भी करना नहीं है, अलंकार को सिर्फ पहचानना है कि वो उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, जितने भी हमारे कोर्स में उसमें से कौन सा अलंकार है, यानी आपको उसकी सिर्फ पहचान मालूम हो, उपमा अलंकार की क्या पहचान है, उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या पहचान है और श्लेष अलंकार की क्या पहचान है, तो आप इसको खूब अच्छे से कर पाएंगे। यानी सिर्फ पहचान का नाम ही लिखना है। उसके अलावा रस, रस भी नौ तरह के रस होते हैं, नौ रस, उसमें से आपको नौ रसों के अगर नाम मालूम हो और उसके एग्जाम्पल आपने देखे हुए हो, तो आप इस क्वेश्चन को खूब आसानी से बड़े अच्छे से कर सकते हैं और पूरे पूरे नंबर इसमें ले आ सकते हैं। उसके अलावा आपको दिया है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये जो मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 105 से लेकर 106 के ऊपर दिया हुआ है, इसको आप एज इट इज़ जो है रट लीजिए, इसी में से आने वाला है। उसके अलावा देखते हैं वाक्य शुद्धिकरण करके फिर से लिखिए। अब वाक्य शुद्धिकरण जो है आपके लेसन में जो गद्य विभाग है उसके अंदर, पद्य विभाग जो उसके अंदर पीछे की साइड में अभिव्यक्ति वगैरह उसके बाद में दिए हुए रहते हैं, उसमें चार में से कोई दो करने रहेंगे, है ना। वाक्य शुद्धिकरण ग्रामर के आधार पर, व्याकरण के आधार पर रहता है। अब देखिए आप आवश्यक सूचनाएं, कृति पत्रिका में गद्य विभाग कृति ई तथा पद्य विभाग कृति ई की कृतियां पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। अब ये कृति ई जो है ये क्या है, देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मुहावरे है ना, ये मुहावरे और उनका अर्थ है ना, पेज नंबर 109 और पेज नंबर 110 जो है आपको खूब अच्छे से कर लेना है। गद्य विभाग में भी जब हम जाएंगे तो गद्य विभाग में भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। अब ये पद्य विभाग है, ये गद्य विभाग, गद्य विभाग का ये जो यहाँ पे ये दिया है ना एक वाक्य में उत्तर, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में से ही आने वाला है, इसके बाहर से इसके प्रश्न जो है नहीं आएंगे। इसके बाद में हम इस विभाग में भी देख लेते हैं लघुत्तरी, तो ये नंबर का क्वेश्चन जो है वो सभी दूर क्या है आपके टेक्स्ट बुक में से भी में से ही आना है, बाहर से नहीं आना है। जहाँ पे भी आपको ये ई नंबर का क्वेश्चन दिया है ना, ई नंबर का क्वेश्चन ये आपके टेक्स्ट बुक में से आना है, जैसा कि हमें यहाँ पे ये बता दिया गया है कि गद्य विभाग की कृति ई और पद्य विभाग की कृति ई, इसकी जो कृतियां हैं पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट पढ़ते हैं, कृति पत्रिका में पारिभाषिक शब्दावली के शब्द 12वीं युवक भारतीय पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 से लेना अनिवार्य। देखा आपने, सिर्फ आपको ये दो पेज पढ़ना है और आपके मार्क्स कवर हो गए। उसके बाद में कृति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कृतियों के उदाहरण वाक्य पाठ्य पुस्तक से लेना अनिवार्य है, यानी आपको इसके एग्जाम्पल, इसके वाक्य, यानी जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा ना ये चीज़, आपने देखा कि काल परिवर्तन कीजिए, अलंकार, रस, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण, ये आपके टेक्स्ट बुक के जो पीछे दिए हुए हैं हर लेसन के बाद में उसी में से आना है, इसको आपको बाहर से कहीं से भी नहीं पढ़ना है। कितनी अच्छी बात है, आपको सब कुछ आपकी किताब में से ही जो है आ रहा है, उसके बाद में आपको कहीं भी बाहर का कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे विषय हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं अंक विभाजन विद्या और विधा और कृति प्रकार के अनुरूप। अब यहाँ देखते हैं कृति क्रमांक 1 में दिया हुआ है हमें गद्य विभाग, है ना, गद्य विभाग जो है यहाँ पर हमको गद्य विभाग के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे कि क्या दिया है हमें। तो गद्य विभाग के अंतर्गत हमें दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ 10 नंबर के, लघुत्तरी 10 नंबर के, दीर्घोत्तरी इसमें आने वाले ही नहीं है, और पूर्ण अंक हमको इसको 20 नंबर के मिलने वाले। यानी आपको गद्य विभाग में सिर्फ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जब हम कृति क्रमांक 2 में आते हैं तो पद्य
पद्य, पद्य के अंतर्गत आपको 10 नंबर के वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके अलावा आपको लघुत्तरी 4 नंबर के और दीर्घोत्तरी इसके अंतर्गत आने वाले 6 नंबर के, यानी ये सब मिला के आपको यहाँ पे मिलेंगे 20 नंबर। तो आपको गद्य विभाग में दो ही चीज़ें करना है, वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरी, लेकिन आपको पद्य विभाग में वस्तुनिष्ठ भी करना है, लघुत्तरी भी करना है और दीर्घोत्तरी भी करना है, ठीक है। उसके बाद में विशेष अध्ययन के लिए हम देखते हैं, तो विशेष अध्ययन में एक ही लेसन है यानी एक ही काव्य आपको दिया हुआ है, कनुप्रिया है ना, धर्मवीर भारती जी का। तो इसमें आपको देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 नंबर के आ रहे हैं और लघुत्तरी आपको 6 नंबर के आ रहे हैं। तो देखिए आपको 10 नंबर यहाँ बहुत अच्छे से कवर हो रहे हैं, एक ही लेसन पढ़ना है आपको उतना। उसके बाद हम व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत आते हैं, तो व्यावहारिक हिंदी में आपको जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि व्यावहारिक हिंदी जो है उसके अंदर वस्तुनिष्ठ आपको 8 नंबर के आने वाले हैं, फिर लघुत्तरी आपको 6 नंबर के आने वाले हैं और उसके बाद आपको जो है दीर्घोत्तरी भी 6 नंबर के आने वाले हैं और पूर्ण अंक इस तरीके से आपको जो है 20 नंबर यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको अपठित गद्यांश जो है इसमें नंबर कवर हो रहे हैं, आपके पारिभाषिक शब्दावली किताब में से आ रही है आपको उसमें से मिल रहा है। उसके बाद में व्यावहारिक अध्ययन के लिए आपको जो 4 लेसन है उसमें से मैंने आपको ऊपर अभी बताई दिया है कि क्या करना है। इस तरीके से आपके जो व्याकरण है, व्याकरण आपको 10 नंबर का आ रहा है, वो भी वस्तुनिष्ठ के आधार पर आ रहा है। आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे वस्तुनिष्ठ दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ यानी क्या, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि आपको जो है क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ रहेगा, आपको उसमें से चूज करना है। तो इस आधार पे आपको ग्रामर पढ़ना है कि आपको उसी में आंसर दिया है उसमें से चूज करना है। ऐसे आपको यहाँ पे कुल अंक 42 हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ के, लघुत्तरी 26 और दीर्घोत्तरी 12, और इस तरीके से आपका जो पेपर है 80 मार्क्स का पूरा हो जाता है। तो विद्यार्थियों आप सभी को ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैं जो वीडियो बना ही रही हूँ आपके लिए हर लेसन के, तो अब आपको पढ़ाई के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हमें किस तरीके से पढ़ाई की शुरुआत करना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छे अंक हमको आ जाए और हमारा परसेंटेज जो है, हमारी हिंदी भाषा, हमारी स्वयं की भाषा, हमारे देश की भाषा, ये हमें किस तरीके से आगे लेकर जाती है, आपके परसेंटेज किस तरीके से बढ़वाती है, हम देखते हैं। और आगे मेरे वीडियोस देखते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांटकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कोई जानकारी और चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।